हेलो SBWP गैंग, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं स्टूडेंट्स, जो भी मैंने थंबनेल में बताया है वो पूरा की पूरा लेजिट अपडेट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहां से जो न्यूज चैनल ने इसको कवर किया है उसका भी आपको पूरा की पूरा लेजिट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले चीज स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के चांसेस है, अभी कौन से एग्जामिनेशन और कौन से स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के चांसेस है, ये सभी चीजें मैं डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, भैया के लिए बस 2 सेकेंड लगेगा स्टूडेंट्स, आपके जो भी हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, मतलब भले ही आपका संस्कृत हार्ड सब्जेक्ट हो, मराठी हार्ड सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हार्ड सब्जेक्ट हो, साइंस मैथ, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा 6 सब्जेक्ट में से जो सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट जा रहा है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। जितने ज्यादा दिन सब्जेक्ट के बारे में कमेंट्स आएंगे उनके लिए 1 शॉट वीडियोस, और आने वाले समय में 20 फरवरी के बाद मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स फटाफट से नीचे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट आप सभी के लिए हार्ड है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, 1,42,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए अभी कुछ ही समय बाकी है, तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो पे एम रखता हूं मैं 1,000 लाइक्स का, तो लाइक्स भी कर देना है 1,000। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स जैसे आप बाजू में देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परीक्षांसाठीचे साहित्य घेण्यास नकार, 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी व 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी, मतलब की 10th और 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। बहुत राज्य शिक्षण संस्था संचालक मंडळाचा बहिष्कार, मतलब की जो भी हमारे शिक्षण संस्था होती है, जो भी शिक्षण संस्था जो चलाते हैं, जो संचालक होते हैं, संचालक इन द सेंस जो चलाते हैं वो शिक्षण संस्था, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मेरा एक पर्टिकुलर एक जगह है, उस जगह पे अगर मैं कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म चलाता हूँ तो उसका मैं संचालक हो जाऊंगा। सो राज्य शिक्षण संस्था संचालक मंडळाचा बहिष्कार, बहिष्कार का अर्थ होता है कि वो एग्जामिनेशन लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अभी स्टूडेंट सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे 12th स्टैंडर्ड के अभी अभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, और जो 10th स्टैंडर्ड के हैं वो 10th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2nd week of February से शुरू होने वाले हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होने देंगे, और आप सभी को बताएं अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके सही समय पर नहीं हुए तो बोर्ड एग्जामिनेशन आगे हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर चीज है जो चलती है, मतलब जो भी मंडल वगैरह जो सरकार को मतलब ये करते हैं, चैलेंज करते हैं कि हम ये पेपर्स नहीं लेंगे वगैरह वगैरह, ये हर साल मतलब यही चीजें होती है। पिछले साल भी ऐसी ही चीजें हुई थी, उन्होंने वापस एक बार कहा था कि जब तक हमारी मांगनी पूरी नहीं होती है हम जो है विच इज क्या बोलते हैं, हम पेपर्स वगैरह नहीं लेंगे, हम स्टूडेंट्स को अंदर नहीं आने देंगे, हम उनको हॉल टिकट्स नहीं देंगे, ऐसे चीजें जो भी संस्था के संचालक होते हैं वो हमेशा ये सरकार को इशारा देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी आपके स्कूल में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर 12th स्टैंडर्ड में हो, आपको आपके स्कूल्स और कॉलेजेस बोलते हैं कि जब तक आप फीस नहीं भरोगे तब तक हम आपको हॉल टिकट नहीं देंगे। उसी प्रकार से इनका सीन चलता है, ये संचालक गवर्नमेंट को बोलते हैं जब तक आप हमारी मांगना पूरी नहीं करोगे तब तक हम कुछ चीजें नहीं देंगे, लेकिन एक बीच का रास्ता हमेशा निकल ही जाता है, वो आप सभी को पता है। अभी उनके मांगना क्या है पहले वो देख लेते हैं। 2012 नंतर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया झालेली नाही ती तत्काल करावी, मतलब कि जो भी शिक्षक भर्ती जो होती है 2012 के बाद वो शिक्षक भर्ती की जो भी प्रक्रिया है वो हुई नहीं है, तो वो जल्द से जल्द किया जाए। उसके बाद दूसरा है प्राइवेट कंपनी ना शाह दत्तक देने से विरोध, जो भी प्राइवेट कंपनीज है उनको स्कूल दत्तक देने के लिए विरोध किया है। और तीसरा जो है नवीन शैक्षणिक धोरण आर्थिक तरतुदी बाबत माहिती द्यावे, मतलब जो भी नया NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी चीजें हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको दो। अगर जब तक ये 3 इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देते, हमारी मांगनी पूरी नहीं करते, हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के हम नहीं लेने वाले हैं, ऐसा कहीं ना कहीं शिक्षण संस्था चालकाचे मांगना, मतलब उन्होंने ये कहा है। लेकिन स्टूडेंट्स आप सभी को बता दूं ये सभी चीजें टाइम पे ही होगा, 90% श्योरिटी है कि आपके जो भी पेपर्स है वो सही समय पे ही होने वाले हैं, तो पढ़ाई को लग जाओ। बस आपको एक अपडेट देना चाहता था इसीलिए मैं अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है आपके भैया स्ट्रैटेजीज और जो जो छोटी छोटी अपडेट्स होते हैं वो सभी चीजें आपको अप टू डेट रखने के लिए आपको मैं वीडियोस बनाता हूँ। सो बात की एक बात, आपके एग्जामिनेशन वगैरह जो भी है 90% श्योरिटी है कि टाइम पे होंगे, लेकिन अभी ये न्यूज के जैसे ही न्यूज चैनल पे आया है इसलिए मैं सोचा कि आपको कवर करके दे दूं। थोड़ा भी डाउट होगा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है,
उस लेजिट न्यूज पे आप जाके क्लिक कर दो। मैंने मन घड़त कहानी नहीं बनाई है, न्यूज चैनल ने कवर किया था, इसलिए मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपका हार्डेस्ट सब्जेक्ट है वो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। मिलते स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, तब तक पीस आउट।